नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पटना में गंगा ने खतरे के निशान को किया है पार। गंगा घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी। देखिए, आसपास के जितने भी इलाके हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, उन तमाम जगहों पर अब पानी प्रवेश करने लगा है। और जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी डरे समय से हैं, क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है पानी। और यही कारण है कि जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी डरे समय से हैं। और जिस तरीके से पानी का बहाव है, एक तेज बहाव पानी का देखा जा रहा है। अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। पटना के सभी गंगा घाटों पर पानी या तो बढ़ गया है या फिर स्थिति जो है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए, तटबंध सुरक्षित थे, पटना शहर की सुरक्षा दीवार भी सुरक्षित थी। वहीं पटना जिला प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। पटना के गांधी घाट पर गंगा सोमवार सुबह 6 बजे खतरे के निशान को पार कर गई। यह खतरे का निशान 48.60 मीटर है, जबकि गंगा इस समय 48.62 मीटर के साथ बह रही थी। यहां पर गंगा खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर पहुंच गया। जिला प्रशासन शाम 5 बजे तक यह जलस्तर स्थित था। और लगातार जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, तो आसपास के इलाकों में भी लोग जो हैं वो डरे समय से हैं। हाथीदह में खतरे का निशान 41.76 मीटर है। यहाँ गंगा का जलस्तर सोमवार की सुबह 6 बजे 41.68 मीटर था। शाम 6 बजे यह बढ़कर 41.74 मीटर हो गया। यहाँ गंगा खतरे के निशान से मात्र 2 सेंटीमीटर नीचे थी। गांधी घाट के बाद अब हाथीदह भी किसी भी समय गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। मनेर फतुहा में भी बढ़ रहा है पानी का जलस्तर। दूसरी ओर गंगा का मनेर में खतरे का निशान जो है वो 52 मीटर है। यहाँ पर गंगा का जलस्तर सुबह 6 बजे 51.54 मीटर था। देखिए, कुछ तो राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा था, मगर यहाँ कुछ कमी देखी गई है। शाम 4 बजे जलस्तर बढ़कर 51.57 मीटर हो गया। इस समय तक 3 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा। यह खतरे के निशान से आधे मीटर से भी कम दूरी पर गंगा बह रही है। दीघा घाट पर खतरे का निशान 50.45 मीटर है। यहाँ पर 49.78 मीटर के जलस्तर के साथ बह रही थी गंगा। शाम 5 बजे तक यहाँ पानी का जलस्तर इतना ही रहा। फतुहा के में भी अगर हम बात करें तो 47 मीटर जो है वो जलस्तर मापा गया। और यहाँ गंगा का जलस्तर सुबह 6 बजे 46.90 मीटर था। तो जो भी आंकड़े जो बता रहे हैं, वो आंकड़े कहीं ना कहीं दहलाने वाले हैं। और यही कारण है कि जिला प्रशासन की तरफ से तमाम चीज़ों पर काफ़ी बारीकियों से नज़र रखी जा रही है। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जो बाढ़ का खतरा है वो अब मंडराने लगा है। और आसपास के इलाके, जो गंगा नदी से सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ भी पानी अब प्रवेश करने लगा है। और लोग जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। खैर, लाइव सीरीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।